तो हमारी जो रैंकिंग वाली प्लेलिस्ट है वो रखे रखे सड़ रही है, उसको अपडेट करना जरूरी है। इस चैनल में हमने बात किया है टॉप 5, टॉप 7, टॉप 10, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे टॉप 20, टॉप 20 ओल्डेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस। तो शुरू नहीं, एक मिनट, हम लोग पहले बात कर लेते क्राइटेरिया के बारे में। बेसिकली इस लिस्ट में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनका एज हमें पहले से मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग गेस करने वाले हैं। दूसरा कि एक कैरेक्टर जिंदा हो या मरा हुआ हो उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, बस इतना ही। अब शुरू करें। सो नंबर 20 पे है गर्ड। गर्ड एल्बाव की है तो इसका मतलब वो एक जाइंट है। ऑब्वियसली गर्ड जाइंट वॉरियर पायरेट्स की डॉक्टर है और एक टाइम पहले वो बगी के लिए काम भी करती थी एज अ मर्सिनरी। इसका एज है 75। नंबर 19 में हमारे पास दो कैरेक्टर, बाकिन और सिरू। तो बाकिन पहले भी एक पायरेट रह चुकी है, बल्कि उसके मुताबिक वो व्हाइट बियर्ड की लवर है। उसका एक बेटा भी है एडवर्ड विविल, जो कि एक वारलॉर्ड वारलॉर्ड था, और दोनों ही बिल्कुल बेकार कैरेक्टर हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है सिरू, जो कि एक वाइस एडमिरल है और इसे ग्रेट स्टाफ ऑफिसर का भी दर्जा दिया गया है। इसे तुम सेनगोकू के साथ घूमते हुए देखे होगे। इन दोनों दादी माओं का एज है 76। नंबर 18 पे हमारे पास आते हैं तीन कैरेक्टर्स, सिल्वर रेली, मंकी डी गार्प और चिंजाओ। तो रेली को तो तुम लोग जानते ही होगे, जिसको डार्क किंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लूफी का ट्रेनर भी रह चुका है, बल्कि वो रॉजर पायरेट्स का मेंबर भी रह चुका है, या फिर कहूँ तो रॉजर का राइट हैंड रह चुका है। अब बात करें चिंजाओ के बारे में, तो चिंजाओ हैपो नेवी का 12th लीडर रह चुका है, बल्कि वो एक फॉर्मर पायरेट भी रह चुका है, और फिलहाल के लिए वो चिंजाओ फैमिली का लीडर है। अब बात करते हैं गार्प के बारे में, तो गार्प वही है जिसने चिंजाओ का सर टेढ़ा कर दिया था और इसीलिए चिंजाओ उसके पीछे पड़ा हुआ है। गार्प ड्रैगन का बेटा, नहीं एक मिनट, ड्रैगन का बेटा लूफी, लूफी का बेटा नहीं, एक ड्रैगन का बेटा लूफी, गार्प ड्रैगन का बेटा लूफी का, गार्प ड्रैगन का बेटा लूफी, और लूफी का दद्दू ड्रैगन, लूफी का दद्दू गार्प। अबे व्हाट, ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? तो काफी प्रैक्टिस करने के बाद ड्रैगन गार्प का ड्रैगन तो काफी प्रैक्टिस करने के बाद गार्प का बेटा ड्रैगन, ड्रैगन का बेटा लूफी, और लूफी का दद्दू गार्प। नहीं रुको, नहीं ठीक है ठीक है, ये नौटंकी के लिए एक फालतू का इन्फो। रेली का बर्थडे आता है 13th मई को और गार्प का बर्थडे आता है 2nd मई को, और इन तीनों का एज है 78। नंबर 17 पे है सेनगोकू दी बुद्धा, और ये बंदा उन गिने चुने लोगों में से एक है जिनको वन पीस के वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में एक्चुअली काफी ज्यादा नॉलेज है। ये बंदा फ्लीट एडमिरल रह चुका है और मेरे ख्याल से अब ये शायद से इंस्पेक्टर जनरल है। और सही बताऊं तो जब सेनगोकू फ्लीट एडमिरल बना हुआ था तब वो इतना ज्यादा लोड लेता था कि वो दिखता था कि वो परेशान है, लेकिन अब जब वो खाली बैठा हुआ रहता है तब भाई उसका जो नया कैरेक्टर देखने को मिला है ना, मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। सेनगोकू की एज है 79। अब नंबर 16 पे आती है मदर कार्मेल, जो कि वैसे तो खुद को काफी अच्छा बताती थी, बट एक्चुअली वो एक चाइल्ड ट्रैफिकर थी, जो कि बच्चों को, बल्कि ऑर्फन बच्चों को वो बेच देती थी। ये सब काम वो काफी साल पहले अंडरवर्ल्ड में किया करती थी, और इसने चार्लेट लिलेन बोले तो बिग मॉम का भी ध्यान रखा था। दादी 80 ईयर्स की है। नंबर 15 हाजरुद्दीन। गर्ड की तरह हाजरुद्दीन भी एक पायलट मशीनरी है फ्रॉम एल्बाफ। कंप्यूटर नॉर्मल ह्यूमंस जायंट्स की एज बहुत ज्यादा होती है, उस हिसाब से देखा जाए तो गर्ड की तरह हाजरुद्दीन दिन भी काफी यंग है, मतलब 81 इयर्स का है वैसे तो वो, लेकिन जायंट्स के लिए वो 24 या तो 30 साल का होगा। हाजरुद्दीन फिलहाल के लिए 6th डिवीजन कमांडर है स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट का। नंबर 14 प्रोफेसर क्लोवर। क्लोवर ओहारा लाइब्रेरी का डायरेक्टर जनरल था, जिसका एज 85 इयर्स था। क्लोवर उन गिने चुने लोगों में से एक है जिनको वन पीस वर्ल्ड के बारे में काफी नॉलेज है। सैडली दद्दू बस्टर कॉल में मारे गए। नंबर 13 ब्रुक। बोले तो सोल किंग 9th मेंबर है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का, और वो 90 साल का है, साथ ही पूरे क्रू में वो सबसे ज्यादा ओल्ड है। बट लिटरली नहीं, मरने के बाद उसकी एजिंग रुक गई थी, क्योंकि ब्रुक पे ऑर्गन्स नहीं है। सिंपल सी बात है, वो मर नहीं सकता, लेकिन वो इमोर्टल भी नहीं है, उसको मारा भी जा सकता है। इस पे मैंने एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाई थी, किसी ने देखी थी क्या? जब ब्रुक पहली बार मरा था तब वो 38 ईयर्स का था, और फिर एक सुनसान से शिप पर 50 साल बिताने
के बाद जब वो फाइनली स्ट्रॉ हैट पायरेट से मिलता है तब वो 88 ईयर्स का हो जाता है और फिर 2 साल के टाइम स्किप के बाद अब वो 90 ईयर्स का है। नंबर 12 स्ट्यूसिन। स्ट्यूसिन बिग मॉम पायरेट्स का एग्जीक्यूटिव शेफ है और साथ ही पूरे क्रू का को फाउंडर भी, बिग मॉम के साथ ऑफ कोर्स, जो कि पूरे सीरीज में सबसे बेकार योंको है। नहीं, आज मैं कहता हूँ बिग मॉम जैसे फालतू कैरेक्टर जल्दी नहीं मरते। अब यार फिल्म रेडी देख लो, वो तो अच्छा हुआ कि बिग मॉम वहाँ पे नहीं आई, वरना पूरा मूवी सिर्फ डिज्नी वाला वाइब आता। और ये स्ट्यूसिन भी कुछ दूध का धुला नहीं है, वो बिग मॉम के साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए था। लेकिन हाँ एक बात तो है, उसका डेविल फ्रूट कमाल का है, मतलब बिग मॉम को कभी खाने की कमी नहीं हुई होगी, बंदा 92 इयर्स का है। नंबर 11 हरिदास। हरिदास वेदरिया में रहने वाला 97 ईयर का एक बूढ़ा आदमी है जिसने नामी को वेदर मैनिपुलेशन सिखाया था ड्यूरिंग टाइम स्किप। नंबर 10 सैन जुआन वुल्फ। सैन जुआन वुल्फ ब्लैक बेल्ट पायरेट्स का टेंटा टाइनिक कैप्टन में से एक है जो कि 7th शिप को लीड करता है। कई सालों तक ये इंपल डाउन में कैद था जिसके बाद ब्लैक बेल्ट ने इसे अपने क्रू में जगह दिया और ये 99 ईयर्स का है। नंबर 9 जैगुआर डी सॉल। सॉल एक फॉर्मर वाइस एडमिरल था जो कि हमें पहली बार निको रॉबिन के फ्लैशबैक में देखने को मिलता है। सॉल के नाम में भी डी आता है, यानी कि ये आदमी स्पेशल है। और तो लेटेस्ट चैप्टर में हमें ये मालूम पड़ता है कि ये आदमी अभी भी जिंदा है, मतलब एक रुला देने वाला रियूनियन हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। सॉल 105 साल का था मतलब जब हम लोग उसको मरते हुए देखे थे, अब इसका उम्र रुको थोड़ा मैस करने दो, उस वक्त रॉबिन 8 साल की थी और अब वो 30 साल की है, मतलब सॉल को मरे हुए 22 साल हो गए थे, यानी कि अब वो 127 ईयर्स का है। Easy. Number 8 कुरिया। कुरिया एक हाईली स्किल्ड और कूल दादी है और एक डॉक्टर भी जो कि ड्रम आइलैंड में रहती है, वहाँ के कुछ लोग इसे विच भी बुलाते हैं। दादी का एज 141 ईयर्स है। एक्चुअली इस लिस्ट में जो टॉप 10 है इसमें यही एकलौती नॉर्मल ह्यूमन है। नंबर 7 ओइमो। ओइमो एक्चुअली जायंट वॉरियर पायरेट्स का मेंबर था। ये बात एक्चुअली मेन स्टोरी लाइन के पहले की है, यानी कि 100 साल पहले की बात है, एज 155। नंबर 6 कासी। ये बंदा ओइमो के साथ ही जायंट वॉरियर पायरेट्स था और ये दोनों 50 साल से एनिस लॉबी के फ्रंट गेट के गार्ड्स हैं। लेकिन एक पायरेट बैकग्राउंड होने के बाद भी इन दोनों को जॉब कैसे मिला, शायद साइज देख के दिया होगा। कासी ओइमो से 3 साल बड़ा है, यानी कि 158। नंबर 5 ऑर्स। ऑर्स एक ईवल जाइंट था जिसको कॉन्टिनेंट पुलर के नाम से भी जाना जाता था। ऑर्स एक ईवल जाइंट क्लैन का लीडर भी था और इन लोगों ने बहुत से कंट्रीज पर कब्जा भी किया था। मरने से पहले इसका एज था 159। और हाँ, हम लोग लूफी के सैड वाले ऑर्स की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर 4 पे फिर से हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, डॉरी ब्रॉगी और मॉर्ली। डॉरी और ब्रॉगी को तो तुम लोग जानते ही होगे, यही दोनों तो उस लेजेंडरी ग्रेट वॉरियर पायरेट के कैप्टन थे। हालांकि फालतू में दोनों 100 साल से मारपीट कर रहे हैं और इसी वजह से ग्रेट वॉरियर पायरेट्स डिसबैंड हो गया। हद है यार। अब मॉर्ली के बारे में बात करें तो ये एक ओकामा जायंट है और रिवोल्यूशनरी आर्मी में वेस्ट आर्मी का कमांडर भी। इन तीनों का एज 160 इयर्स है। नंबर 3 जॉल एके वाटरफॉल बियर्ड, और ये भी एक जायंट है और ये जायंट वॉरियर पायरेट्स का पुराना कैप्टन भी है, एज 344 इयर्स। नंबर 2 जॉल एके माउंटेन बियर्ड। जॉल की ही तरह ये भी एक जायंट है और ये जायंट वॉरियर पायरेट्स का दूसरा कैप्टन है। अभी ये लोग दो दो कैप्टन क्यों रखते थे और क्या ये लोग भी 100 साल तक मारपीट किए थे? एनीवे इसका एज है 345 इयर्स। यार जितना इनका एज है ना, हो सकता है कि ये लोग काफी इम्पोर्टेंट होंगे आगे की स्टोरी के लिए, मतलब नॉलेज के हिसाब से। नंबर 1 जुनिसा। जुनिसा एक नाइटा मिनोरी द एलिफेंट है। पता नहीं इसका मतलब क्या है, वो गुलाम है क्या, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसका मतलब आई क्राइड आई राइड है। एनीवे ये न्यू वर्ल्ड में घूमता ही रहता है और तो इसका पीठ लिटरली एक आइलैंड है जिसमें मिंग्स रहते भी है, जिसको वे लोग जो बुलाते हैं। एंशिएंट पास्ट में जुनिसा को कुछ कर्स वगैरह लगा है जिसके हिसाब से वो इटर्निटी तक पूरे सी में घूमता रहेगा और वो तभी कुछ एक्ट कर सकता है जब इसे ऑर्डर दिया जाए, लेकिन तब भी ये उतना आसान नहीं है। थ्रू आउट द सीरीज हमने ये देखा है कि जुनिसा की आवाज हर कोई नहीं सुन सकता। फिलहाल लूफी और मोमोनोस्की हैं जो कि उसकी आवाज सुन सकते हैं। जुनिसा पूरे वन पीस में अब तक का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर है जिसका एज पूरे 1000 साल है, मतलब ये हाथी वॉइड सेंचुरी से है और इसीलिए तो ये जॉय बॉय को इतनी अच्छी तरीके से जानता है। इसको एक्चुअली पूरे वॉइड सेंचुरी के पास
पास्ट के बारे में मालूम है। मैं बस चाहता हूँ कि आगे इसका कुछ बड़ा रोल रहे स्टोरी में। अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं आ पाए। वैसे तो और भी क्रिएचर्स हैं, जैसे कि फिशमैन वाले सी किंग्स जो कि नोवा की रखवाली करते थे। जुनिसा की तरह इनकी आवाज भी सिर्फ गिने चुने लोग ही सुन सकते हैं। इनका नाम मैं इसीलिए लिया क्योंकि ये लोग नोवा की रखवाली 800 साल पहले से कर रहे हैं, मतलब इनका एज भी जुनिसा के आसपास का ही होना चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें नहीं मालूम। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि जॉय बॉय का है, यू नो 800 साल पुराना। तो देखो 800 साल पहले वो कांड किया था और मरा था। अगर जुनिसा के टाइम से भी उसको मिला के देखे ना, तब भी उसका एज 200 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वैसे भी हमें इसका एज नहीं मालूम, तो इसीलिए ये लिस्ट के बाहर है। एक और कैरेक्टर है व्हाइट बियर्ड, इसका एज है 72 और इसीलिए ये इस लिस्ट में नहीं आ पाया। सोया ये है टॉप 20 ओल्डेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि इस लिस्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, मतलब कुछ छूट तो नहीं है ना। और हाँ, कमेंट से मुझे ये बताओ कि सड़क पे अगर तुम्हें कोई चॉकलेट दे तो तुम क्या करोगे। और हाँ, अब से हम लोग हर हफ्ते लाइव स्ट्रीम करने का ट्राई करेंगे क्योंकि अब मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और मैं काफी बिजी रहने वाला हूँ, तो वीडियोस नहीं आएंगी, मतलब आएंगी लेकिन उतनी नहीं आएंगी। सोया अब सिया, बाय टाटा।